नमस्कार, आप देख रहे हैं LLNTop.com, LLNTop चुनाव यात्रा की टीम हीरा फिलहाल सीकर में, प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। और यहाँ आने का मकसद हमारा एक फेक न्यूज़ पे वर्कशॉप कंडक्ट करना है, जो कि हम अपने सोशल मीडिया पार्टनर फेसबुक के लिए करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ से जानना चाह रहा था आप लोगों से कि कितनी स्ट्रीम्स मेरे पास अभी सामने हैं। साइंस, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि साइंस लोगे तो बाद में ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। ऐसा कितने लोगों से कहा गया था बताते? आपसे कहा गया था। ये होता है, ये इंप्रेशन हमारा रहता है कि अगर हमारे पास साइंस होगा तो हमारे पास लाइफ में आगे ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। और इस चक्कर में कई लोग साइंस पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर मैं जैसा बता रहा था आपको, मैं वैसा था तो मैं ऐसा हो गया। एनीवेज, सिंस आप लोग एक स्कूल में हैं और यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ी जगह बनाएंगे, और आप लोग शायद हॉस्टल्स में और स्कूल कैंपस में फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बाकी जगह किया होगा अपने घर पे। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ना वाकिफ हैं सोशल मीडिया से, जिन्होंने कभी फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया है? कितने लोगों ने किया है? सब फेसबुक पर हैं ये लोग? सब व्हाट्सएप चलाते हैं? तो फ़ोन कहाँ छुपाते हैं? जहाँ भी हम लोग ये वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम यही इस्टेब्लिश करते हैं कि सच झूठ में फ़र्क कैसे किया जाए। दोस्त, आपका नाम क्या है? कौशल, आपके हिसाब से सच और झूठ में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? सर, उसकी बातें सुन के, जैसे सर झूठ बोलता है तो हड़बड़ाता है, सर कोई झूठ बोलेगा तो हड़बड़ाएगा बीच में बोल के। करेक्ट, ये एक अच्छा जवाब है। मैंने अभी तक के मतलब इस तरह से किसी के पर्सनालिटी को रीड करता हुआ जवाब हमें वर्कशॉप्स में बहुत कम मिलता है, लोग बहुत डेड जवाब देते हैं। एक अच्छा जवाब है कि जब आदमी झूठ बोलता है तब हड़बड़ाता है, लेकिन अगर बड़ा स्मार्ट आदमी जैसे एक्टर है तो वो तो बिना हड़बड़ाए बोल देगा। कैसे फ़र्क करेंगे? सच और झूठ में फ़र्क करने का सबसे आसान तरीका है कि सच सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ हो सकती है जिसका प्रूफ हो। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंटिफिकली जो चीज़ प्रूव हो सकती है आप लोग उसी को मानते हैं, अदरवाइज आप उस चीज़ को लिखते हैं कि ये इमेजिनरी है या ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इसका आधार अभी तक मिला नहीं है। साइंस ने हमें ये सिखाया कि जिस चीज़ को तथ्य से आप बैक कर सकें, जिस चीज़ को आप फैक्ट से बैक कर सकें, उसे सच मानिए। मैथ्स क्लैरिटी की बात करता है, दो और दो सिर्फ चार हो सकता है, ठीक है, सवा चार, पौने चार, साढ़े चार नहीं होता है। क्लैरिटी, साफ सुथरा होगा और फैक्ट्स होंगे वही सच होगा, इन दोनों में से जो भी चीज़ कम होगी झूठ होगा, वाइट और ब्लैक। क्या बीच में कोई ग्रे एरिया हो सकता है? बढ़िया गाना ये। क्या बीच में कोई ग्रे एरिया हो सकता है? ब्रिटनी का है शायद, वो हो सकता है। अफवाह, कितने लोगों ने अफवाह शब्द पहली बार सुना है? नहीं। आप कहाँ से दोस्त? सर प्रतापगढ़। और आपका नाम क्या है? कुंदन पाटीदार। कुंदन जी, आपने कभी कोई अफवाह सुनी है या आपकी तरफ कोई अफवाह फैली कभी? सर ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पर सुनी, ऐसे सुना। कोई किसी के पास कोई मिसाल जिन्होंने कभी कोई अफवाह चल गई हो, उन्होंने सुना हो कि यार ये खूब सुनने को मिल रहा है? आपका नाम क्या है? साइना चौधरी। अच्छा, साइना जी, आपने कभी सुना है इस तरह को? हाँ सर, बहुत अफवाहें सुनी हैं, बट अच्छा, जैसे कोई एक मिसाल? सर जैसे एक वाइती चोटी कटुआ। अच्छा, लाइक चोटी कटने की तो राजस्थान में हमने सब जगह सुनी। हाँ सर, ऐसी अफवाहें बहुत सुनी। अच्छा, लड़कों ने किस तरह की अफवाहें सुनी है? आप लोग की चोटी नहीं होती है। दोस्त, आपका नाम क्या? वैभव। अच्छा वैभव, आपने कभी कोई अफवाह आपने सुनी है? यस सर। अच्छा, क्या अफवाह थी वो? सर थोड़ा जोर से बोलोगे तो अच्छे से आवाज आएगी। सर वो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो झूठे वादे और करती है। अच्छा, वैसे वो अफवाह। ठीक है, दो तीन तरह के हमारे पास जवाब हैं, लेकिन जो
चीज़ मैं कन्वे करना चाह रहा था वो इस तरह की है कि अफवाह सच तो नहीं होती है, और हमने शुरुआत वहाँ से की थी कि सच तो एक ही चीज़ हो सकता है, बड़े टाइट एट्रीब्यूट्स हैं उसके, तो अफवाह को हम झूठ कह देते लेकिन नहीं कहते हैं। अफवाह एक ऐसा झूठ होता है जो जानबूझकर चलाया होता है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक हेतु होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव के तहत प्लांट किया जाता है। जैसे अभी वहाँ कोई जोक प्लांट हुआ होगा आई गेस, उसका एक मकसद होता है, आप उसको या तो एंजॉय करना चाहते हो, या तो खुद फायदा चाहते हो, या तो क्या करना चाहते हो, या तो किसी का नुकसान करना चाहते हो। गॉसिप, हॉस्टल में खूब गॉसिप होती है मुझे पता है, और मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के भी बहुत बड़े गपोड़ होते हैं, खूब गॉसिप होती है, कई बार हम उसमें एग्जैक्ट जो चीज़ हुई होती है वो नहीं कह रहे होते हैं, तो क्या हम झूठ कह रहे होते हैं? नहीं, ये इसके साथ दिखा था, ये उसने, इसने उसको मारा, ये वो, आप बातें प्लांट करते हो कई बार, करते हो क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे कहने से एक चीज अचीव होती है। जब ये दो लोगों के बीच में या एक हॉस्टल में या एक स्कूल में या एक छोटी लोकेलिटी में जब तक ये कैद रहेगा तब तक ये ठीक है, तब तक ये कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लोग एक किसी का एक का नुकसान होगा, हो सकता है दोनों पार्टीज़ का हो जाए। अब जैसे आप दो पार्टीज़ का नुकसान हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जब ये बड़े स्केल पे फैलती है, सोशल मीडिया पे फैलती है, तब बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो सकता है, हुआ है, वो सारे एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। सच झूठ और अफवाह का फ़र्क मैंने आपको बताया, अब आगे मेरे हैंडआउट में क्या मैं भूल गया हूँ, कितने लोगों ने ये पिक्चर नहीं देखी थी, मैं पीछे भी आता हूँ, जिन लोगों को नहीं दिख रही मैं उनको पीछे से दिखाता हूँ। देखी थी, ऑलमोस्ट सब ने देखी है ये। इसके साथ क्या सुना था आप लोगों ने? दोस्त आपका नाम क्या है? सचिन यादव। अच्छा, इस पिक्चर के साथ क्या सुना था आपने? ब्लैक मनी को पकड़ा जा सकता है चिप की वजह से। चिप की वजह से? अब चिप तो थी नहीं, बाद में हमें यही पता चला, लेकिन इस अफवाह का स्केल ये था कि लगभग पूरे मुल्क ने इस पे भरोसा कर लिया था, न्यूज़पेपर्स में आ गया था, न्यूज़ चैनल्स ने दिखा दिया था, और हमें सच में ऐसा लग रहा था कि जो नया नोट आएगा उस पिंकी में चिप लगी होगी। स्केल, अब इसका फ़ायदा नफा नुकसान किसको हुआ, इसको बात के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि ये नॉन पॉलिटिकल होने वाला है। फेसबुक, मुझे ऐसे दो दोस्त चाहिए जो लोग फेसबुक पे हों, और फेसबुक पे भी ऐड हों एक दूसरे के, कोई भी दो लोग वॉलंटियर्स, आप दोनों। दोस्त आपका नाम क्या है? आयुष गौतम। अच्छा, और आपका नाम क्या? मोहित। आयुष और मोहित, ऐसे ही, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि आप एम्बैरस करें अपने दोस्त को, लेकिन फिर भी इनका ये इंस्टा और फेसबुक पर जैसे दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में भी हैं क्या? नो सर, एडिटिंग ज़्यादा होती है। एडिटिंग ज़्यादा होती है और ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं हिंट कर रहा हूँ कि आपको अपनी पिक्चर्स पे फिल्टर नहीं लगाने चाहिए, है ना, यहाँ ज़्यादा बड़ी समस्या होगी फिल्टर वाली, इधर भी होती है। ये एक बड़ा ना बड़ा क्लीशेड अंडरस्टैंडिंग है कि अपीयरेंस की परवाह सिर्फ लड़कियों को होती है, नहीं, लड़कों को भी होती है, रादर वो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपनी अपीयरेंस को लेके। खैर, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर में फ़र्क की हम बात कर रहे थे, इसीलिए वो पिक्चर करेक्ट करनी पड़ती है। ये ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है, क्यों, मतलब ऐसा आदमी करता क्यों है? क्योंकि पता तो लग ही जाना है, आप भले इनकी पिक्चर आप देख लो, लाइक भी कर दो, लेकिन अगले दिन स्कूल में आएगा तो दिखेगा ना कि आदमी है कैसा, फिर भी हम ऐसा करते हैं क्यों? आ रहा हूं दोस्त आपका नाम क्या है? विनोद राठी। विनोद जी बताइए। बिकॉज सर, सोशल मीडिया पे हमें बहुत ज़्यादा पब्लिक और लोग देखते हैं, और रियल लाइफ में हम अपने गांव वाले देखेंगे, अपने साथ वाले देखेंगे, बस इसीलिए एडिटिंग करते हैं। एक वजह है रीच, एक और वजह है जिसके बारे में मैं पूछ रहा था कि गांव वाले भी देख लेंगे और बाहर वाले भी, लेकिन आपसे मिलेंगे तब तो पता चल ही जाएगा ना कि राज क्या है, आप छुपा क्या रहे थे। एक एग्जाम्पल घस चुका है लेकिन अब मैं दूंगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल से मेरा काम निकल आता है, मैं हर वर्कशॉप में देता हूँ। मेरी मदर एलर्जी के, आप लोगों ने एलर्जीज नहीं पढ़ी होंगी मेरे ख्याल अभी, लेकिन एक आइडिया है,
जिनको डस से होती है, डस आता है, वो छींकने लगते हैं। मेरी माँ को गुलाब से है, उनको गुलाब के फूल से तकलीफ़ होती है। और हमारे यहाँ गुलाब वाली अगरबत्ती भी नहीं आती है और गुलकंद वाली चीज़ें वो खाती नहीं है। अब उनका एक ही बेटा है मैं, क्या वो कभी मुझे गुलाब का फूल देंगी? नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ इंटेंशन वाला सवाल है ही नहीं। लेकिन अभी वो फ़ोन वहाँ रखा हुआ है, उसको खोलेंगे, मेरा इनबॉक्स देखेंगे, उसमें कई बार मम्मी ने वो जो गुड मॉर्निंग मैसेज आता है गुलाब के साथ वो भेजा है। ऐसा कैसे हो जाता है? यहाँ तो शो ऑफ वाली बात भी नहीं है। हमारा ऑनलाइन बिहेवियर हमारे ऑफलाइन बिहेवियर से अलग क्यों होता है? कोई भी, क्योंकि ऑनलाइन अपने अपनी वीकनेसेस को हाइड कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन वो शो हो जाती हैं। हाइड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन मीडियम्स पे आपको रिएक्शन का डर नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन कई बार होता ही नहीं है। हो भी रहा है तो आप उससे बच सकते हो। जो आपको लगातार परेशान कर रहा है ब्लॉक कर दो, वो आपके वॉल पे पेस्ट करता जा रहा है डिलीट करते चलो, हाइड करते चलो। व्हाट्सएप पे है ब्लॉक कर दो, नंबर डिलीट कर दो, रिपोर्ट कर दो, बच जाओगे। क्योंकि हमको ऑनलाइन दुनिया में रिएक्शंस का, प्रतिक्रिया का, रिजल्ट का डर नहीं होता, इसलिए हम वैसी चीज़ें भी कई बार कर जाते हैं जो हम अपनी असल ज़िंदगी में कभी नहीं करते। हॉस्टलर्स यहाँ पे, मैं अभी जब ये ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन था तो मुझे बताया गया कि, और ये बहुत आम बात है, इसमें कोई बहुत विवाद वाली स्थिति नहीं, हॉस्टल्स में कई बार लड़ाइयाँ होती हैं। हॉस्टल हॉस्टल की लड़ाई होती है, विंग विंग की लड़ाई होती है, डॉम डॉम की लड़ाई होती है, हॉस्टल और डे बोर्डर्स की लड़ाई होती है। आमने सामने में जो बहस हो रही है उसका लेवल अलग होता है, और जब आप फेसबुक पे झगड़ेंगे उसका लेवल अलग होता है, क्योंकि सामने वाला दिख नहीं रहा है, उसको आप चाहे जो बोल सकते हो, क्योंकि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो सुरक्षा का भाव है ये झूठा है। क्यों? जितनी चीज़ें लीगल ऑफेंस हैं आपकी असल दुनिया में, वो सारी चीज़ें लीगल ऑफेंस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑफलाइन दुनिया आमने सामने किसी का नुकसान करते हैं, वायलेंस हिंसा करते हैं, तो आपके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है। कितने लोग यहाँ पे बिलो 18 हैं? ज़्यादातर, कुछ लोग पार कर गए वो थ्रेशोल्ड। 18 के अगर आप ऊपर हैं और आप किसी हिंसा की घटना में पकड़े जाते हैं तो बाकायदा केस दर्ज हो सकता है, वहाँ आपका नाम रिफ्लेक्ट होने लगता है जो पुलिस का डाटा होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसा ही होता है। अगर आप वहाँ पे वायलेंस, देखो हिंसा सिर्फ हाथ पैर तोड़ने से नहीं होती है, भाषा की हिंसा भी होती है, और भाषा से हिंसा फैल सकती है। आप बिना किसी को छुए भी उसे हैरेस कर सकते हैं लैंग्वेज से। ये सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सोच के करते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और हम सुरक्षित हैं, ये आपका वहम है। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है, और अगर वो ट्रायल के लिए जाता है और आपका दोष साबित होता है तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। जो लोग यहाँ पे, या तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं या ले चुके हैं, उनसे आप पूछिएगा 1 साल क्या होता है, और मैं 2 सालों की बात कर रहा हूँ। कितने लोग जानते हैं ड्रॉप किसी ने लिया है या जानता है किसी को जिसने लिया हो नीट जे की प्रिपरेशन के लिए? जी सर, ये तो फ्रेशर्स हैं, मैं कह रहा हूँ ये जानते अगर हो, किसी को पड़ोस में हो, फैमिली में हो, कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता नहीं है तो आप रुक के लेते हो, आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपके आगे जा रही है और आप ऐसे जाम में फंसे हुए हो, और मैं 2 सालों की बात कर रहा हूँ। तो ये 2 साल कैसे बचाएं? इन 2 सालों को बचाने के लिए मेरे पास कुछ हैंडआउट में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है दयालुता, फिर दूसरी है संवेदनशीलता, तीसरी है समझदार होना, सहानुभूति, दयावान, विचारशीलता। ये सारी बहुत काम की क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। बस एक प्रॉब्लम है, जैसे आपको पूरे साल का सिलेबस एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, वैसे ये सारी क्वालिटीज़ एक वर्कशॉप में भी मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, चाहे जितनी कोशिश करूँ। और आप जितनी कोशिश करें इसको एक बार में समझ पाएंगे नहीं,
क्योंकि दिमाग की एक कैपेसिटी है चीज़ों को समझ, इसीलिए आपका लेक्चर भी 40 मिनट के आसपास मेरे ख्याल होता है सर। यहाँ पे कितने मिनट का है यहाँ पे? 40। और वो 40 का इसीलिए क्योंकि उसमें आपका अटेंशन स्पैन को ध्यान में रख के उसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो आप उसे कितना ग्रहण कर पाएंगे। वैसा ये हैंड आउट भी है लेकिन बहुत हैवी है। मैथ्स कितने लोगों का अच्छा है यहाँ पे और कितने लोग उसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं? करते ही होंगे यार, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी ट्रिक्स आती होंगी, हाँ कि ना? नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पूरा मैथ आना चाहिए लेकिन अगर आपके पास कोई आसान तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो आपको अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल आप लोग सब लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, टाइम प्रीमियम पे है, अगर उसे पूरा ऊपर से नीचे तक सॉल्व करने जाओगे तो कई चीज़ें छूटेंगी। ट्रिक तो क्या इस इन सारी क्वालिटीज़ के लिए कोई ट्रिक हो सकती है क्या? कोई भी कोई कॉन्ट्रीब्यूट, कोई आइडिया, कोई सजेशन देना चाहते हो? मेरे पास एक है, ये मैं दिल्ली से लेके नहीं चला था, ये हमको वर्कशॉप पर ही एक सज्जन ने बताई थी। आँख की शर्म, कितने लोगों ने ये टर्म पहले सुनी है? हाँ, आँख की शर्म नहीं, बहुत ईजी ले, लिटरली लो ना। आँख की शर्म मतलब अगर मैं किसी की नज़रों में देख रहा हूँ तो एक सेट ऑफ बिहेवियर, जैसे हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, आपकी फैकल्टी से भी लोग यहाँ पे हैं, आपको ये बताया गया कि मैं बाहर से आया हूँ तो आप लोग एक बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। मैं भी एक बिहेवियर मैं भी कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं भी बोल रहा हूँ, यह आँख की शर्म ही है। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस को लेके कॉन्शियस हैं। हम लोग भी कहीं जाते हैं, मुझे दिखता है कि अच्छा कॉलेज जा रहे हैं, हम भी बाल ठीक कर लेते हैं, वो आँख की शर्म ही है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये आँख की शर्म ले आएं, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। बहुत सिंपल है, आप दिमाग में ये रख के चलिए कि जो चीज़ मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मैं वही चीज़ लिखूंगा, वही चीज़ शेयर करूंगा, वही चीज़ लाइक करूंगा या करूंगी जो मैं ऑफलाइन दुनिया में करता। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो अपनी ओपिनियन रखिए, सामने वाले से बात कीजिए, उसे उस चीज़ का एहसास दिलाइए, लेकिन ये सोचिए पहले कि अगर ये मेरे सामने खड़ा होता तो मैं बोलता या बोलती कि नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ऐसे ही बचेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास, अच्छा, सच झूठ और अफवाह पे हम लोग थे, तीन चीज़ें हमने समझी थी, सच जिसके तथ्य हो नहीं है झूठ होगा, अफवाह जानबूझ के चलाया हुआ एक झूठ, एक और चौथी चीज़ भी होती है जो इन सब के अलावा अपना असर दिखाती है, स्पेशली आपके ऑनलाइन बिहेवियर पे। कितने आपको ये क्या लगता है दोस्त, आपका नाम क्या है? ओंकार। ओंकार, ओंकार, आपके हिसाब से क्या है दोस्त? पक्षी है। पक्षी है। आपका नाम क्या है? भारती। भारती जी, आपके हिसाब से क्या है? बर्ड। बर्ड, उधर आ जाता हूँ, उधर नहीं आया हूँ मैं बहुत देर से और इसीलिए वहाँ बहुत अशांति है। सॉरी तेरी। दोस्त आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष जी, आपके हिसाब से क्या है? बर्ड। और कोई जवाब किसी के पास? कंसेंसस है बर्ड पे? ये एक 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 शब्द है हाँ और एक शब्द है ना, दो में से कोई तो बोलो। बर्ड है ये? अच्छा, अब मुझे हैंड आउट उधर ले जाना पड़ेगा मेरा जवाब, वरना आप लोगों को दिख जाए पहले। कितने लोगों को ये खरगोश लगा था आपको? आपने, मैंने इसलिए पूछा था कि कितने लोगों को कुछ की कोई और राय है, आपने नहीं बताया था। आपका नाम क्या है दोस्त? उदित। उदित को ये खरगोश लगा था, कितने और लोगों को ये खरगोश लगा था? ज़्यादातर लोगों को बर्ड लगा था। अब खरगोश लगता है? नहीं, उधर से नहीं है, यहाँ से मुंह, ये उसका मुंह है, ये उसकी आँख है, ये उसके कान है, ये गला है, देखो उसके नीचे बॉडी होगी। अभी भी नहीं लग रहा है भाई को, तो नहीं लग रहा है। अच्छा, जब इसे हम बत्तख या खरगोश कहते हैं तब क्या इसकी ज्योमेट्री चेंज होती है कहीं भी इस इमेज की? नहीं। क्या इसकी कलर स्कीम चेंज होती है? नहीं होती है। एक और एग्जांपल है, ये क्या है? अभी मैं इधर ही आता हूँ। दोस्त आपका नाम क्या है? हरकीरत सिंह। हरकीरत जी, आप, ये क्या है आपके हिसाब से? ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स सर।
two human beings sir two human beings acha sir ne two human beings bola hua hai to kya sab log wahi bolne wale hain sir two human beings ha ji main lot aata hu two human beings dost two human beings कोई क्रांतिकारी व्यक्ति पिछले बार जिसने डिसएग्री किया था आपको क्या लगता है दोस्त अच्छा यहाँ से जा नहीं सकते जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ी सी जगह बनाओ यार इसको खिसकाओ बस इतने में तो निकल जाऊंगा अब निकल जाऊंगा बस जोड़ लो दोबारा थैंक यू भाई आपका नाम क्या है विपिन गरसा अच्छा विपिन जी आपके हिसाब से क्या है Shadow of two human beings. लेकिन human beings पे consensus है largely. अच्छा आपका नाम क्या है जानवी जानवी जी आपके लिए क्या है टू ह्यूमन ह्यूमन बींग्स आपका नाम क्या है रवीना तो लार्जली या लार्जली क्या 100% लोगों को ये टू ह्यूमन बींग्स ही लगते हैं मिरर इमेज लगते हैं लेकिन मिरर इमेज भी लोगों की लगती है ना और कोई जवाब है अरे यार एक हाथ वात खड़ा करोगे तो पता चलेगा जी सर टू ह्यूमन बींग्स या मिरर इमेज जो इंसानों की ही है पलट नहीं रहा ये कितने लोगों को ये वास लगा था फूलदान अब लग रहा है सर इन लोगों का कब लंच कब होता है अभी होने का है 12 बजे होता है तो मतलब आप लोगों को भूख लग रही है कोशिश करके आवाज निकालो अब लग रहा है फूलदान की नहीं बीच वाला हिस्सा कितने लोगों को ये शतरंज की गोटी लग रहा है बीच वाला हिस्सा क्या ये पता कर सकते हैं कि दोनों में से लड़का लड़की कौन है या क्या दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं इन्होंने कहा दोनों लड़कियां हैं ये सारे जवाब हैं अच्छा इस पिक्चर की ज्योमेट्री चेंज होती है क्या क्या इसकी कलर स्कीम चेंज होती है नहीं होती है। तो क्या कभी हम झगड़ के ये पता कर पाएंगे कि ये फूलदान है या ये दो चेहरे हैं झगड़ने को झगड़ लोगे लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं पूरे टाइम वो बहस इस बात में रहेगी कि तू सही या मैं सही सोशल मीडिया पे होने वाले ज़्यादातर विवाद सोशल मीडिया पे होने वाले ज़्यादातर क्लैशेस इसी तरह के होते हैं जहाँ पे नज़रिए का फ़र्क होता है एक ही चीज़ है उसके एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड हैं कुछ बदल नहीं रहा है लेकिन आपको वो कुछ और लगता है मुझे वो कुछ और लगता है और झगड़ा चल रहा है जो सेटल हो ही नहीं सकता है तो क्या करें इस चीज को आप तोल के देखिए कि सोशल मीडिया पे आप जो चीज आपको ऐसी लगती है कि आपको पसंद नहीं आ रही है क्या वो आपके रिएक्शन के लायक है क्या उस पर रिएक्ट करना जरूरी है और यदि वो रिएक्शन आ रहा है तो क्या उसे वहां पोस्ट करना जरूरी है क्या आप वो जो अग्री टू डिसएग्री इंग्लिश की क्लासेस हो रही है कि बंद ही हो गई हो रही है तो आपने जुमला सुना होगा कि ठीक है आप भी सही मैं भी सही या आप भी गलत मैं भी गलत लेकिन हम कम से कम इस बहस से तो बचें अगर ये चीज आप अपने दिमाग में लाके चले तो आप 80% जो क्लटर है सोशल मीडिया का उससे बच सकते हैं अब मैं एग्जैक्ट उस सेक्शन में आता हूँ जहाँ पे हम लोग फेक न्यूज डिस्कस करते हैं कितने लोग ऑनलाइन खबरें पढ़ते हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे तो पढ़ सकते हैं फोन ही तो छुड़ाया है बस कंप्यूटर लैब्स क्या आपने घर पे कभी फोन पे न्यूज पढ़ी है घर पे तो फोन है कौन पढ़ता है एक दो तीन लोगों के मतलब मैं जानना चाहता हूँ जो फोन पे न्यूज पढ़ता हो आप पढ़ते हैं दोस्त आपका नाम क्या है राघव शर्मा राघव कौन कौन से न्यूज प्लेटफॉर्म्स आपने पढ़ी है न्यूज इससे पहले फोन पर सर बहुत सारी पढ़ी है अलग बहुत सारी एक एक दो नाम चलेंगे सर यूसी पे पढ़ी है एक तो यूसी न्यूज़ पे यूसी वो ब्राउज़र का नाम है
सेंसर अलग, ठीक है, यूसी उन्होंने सही बताया था, वो एक ब्राउजर है जो क्राउड सोर्स होता है एक तरह से, बहुत सारे लोग उस पर अपना कंटेंट शेयर करते हैं। दोस्त आप डीएनए देखता हूँ मैं, डीएनए आप देखते हैं ऑनलाइन, और कोई, ठीक है, मतलब यहाँ पे कम से कम आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ऑनलाइन खबर पढ़ी जा सकती है। कितने लोगों ने ऑनलाइन खबर पढ़ते हुए ये फ़र्क करने की कोशिश की है कि मैं खबर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ या नहीं, जो बताया जा रहा है खबर की तरह वो खबर ही है कि नहीं, ये डाउट आया कभी? आप लोगों की गलती नहीं है, हमारी जो सोसाइटी है स्पेशली इंडियंस, हम स्केप्टिक नहीं होते हैं, हमें यकीन करना सिखाया जाता है बचपन से। छोटे होते हैं तो पेरेंट्स पे यकीन करते हैं, बड़े होते हैं टीचर्स पे यकीन करते हैं, बाद में फिर एक दूसरे पे यकीन करते हैं, यही होता भी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टेंडेंसी का एक नुकसान ये है कि जहाँ हमें हमारे दिमाग में शक पैदा होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। फेक न्यूज़, दोस्त आप कहाँ से हैं? सर जयपुर। जयपुर, जयपुर में कभी कोई अफवाह चली है दोस्त? सर रिगार्डिंग इंडियन ऑयल मींस पेट्रोल। अच्छा, क्या क्या चली थी अफवाह? सम ऑफ द पेट्रोल पंप्स हैव कॉज सम इलीगल आर्म्स। अच्छा, इलीगल आर्म्स बिक रहे हैं पेट्रोल पंप पे, यूं? यस सर। अच्छा, एक कॉमन आदमी या एक कॉमन, आप लोग 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को थोड़ा दुनिया कैसे चलती है आई गेस उसका ध्यान है, क्या कभी हथियार बिकेंगे किसी पेट्रोल पंप पे? अनलाइकली है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन अनलाइकली है, मुश्किल है। हम अभी सीकर हैं, क्या कभी सीकर में बर्फ पड़ेगी? ओला पड़ सकता है, हेल, लेकिन कभी बर्फ नहीं पड़ेगी, बहुत मुश्किल है क्योंकि क्लाइमेट एरिड है यहाँ का। फेक न्यूज़ ज़्यादातर इसी तरह की खबरें होती हैं जो बहुत हैरान करने वाली हैं। पेट्रोल पंप पे हथियार बिक रहा है, सोते सोते लोगों की चोटियाँ कट रही हैं, सीकर में बर्फ पड़ रही है। जब आपके पास कोई एक ऐसी खबर आई जो आपको बहुत हैरान करती है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य पैदा करती है, तब आपके दिमाग में एक लाइट जलना चाहिए कि ये हो सकती है खबर हो, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि ये फेक हो। जब आप ये एक बार डाउट पैदा कर लेंगे तो इसको एड्रेस कैसे करें, पता कैसे करें डाउट पैदा होने के बाद कि खबर फेक है नहीं है? URL, कितने लोगों को URL पता है क्या होता है? आई गेस सब लोगों को पता होना चाहिए, साइंस की क्लास है ये। अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता है? शो ऑफ हैंड्स, आपको नहीं पता है। फॉर द रिकॉर्ड मैं एक बार बता देता हूँ कि URL क्या होता है। अनानास जैसा है ये, सब मैंने खाया हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको अनानास कहते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि पाइनएप्पल को ही अनानास कहते हैं। वैसा URL है, आपने सबने URL देखा है, शायद आप उस नाम से नहीं जानते हैं। फ़ोन्स पे या डेस्कटॉप पे जब आप काम कर रहे होते हैं, सबसे ऊपर की स्ट्रिप पर, स्पेशली वेब पेजेस के मामले में, सबसे ऊपर जो स्ट्रिप होती है www. के साथ, वो URL है। अच्छा, यहाँ आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, कोमल, क्या कभी ये होगा कि कोमल अपना नाम गलत लिखें? बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल। तो क्या कभी ये होगा कि कोई न्यूज़ मीडियम अपना नाम गलत लिखे? कोमल अपना नाम लिखेंगे तो हो सकता है एम्बैरेसमेंट हो, नंबर कटे, वहाँ नौकरियाँ जाती हैं सीधे, सर्वाइवल का मुद्दा है। जैसे आप अपना नाम गलत नहीं लिखोगे, वैसे ही कोई भी जिम्मेदार न्यूज़ मीडियम अपना नाम कभी गलत नहीं लिखेगा, और उसका नाम हमेशा उसके URL में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग दिल एंड टॉप के लिए काम करते हैं, मैं और तरुण, हमारा जो काम है हमारी वेबसाइट पे जाता है, अगर आपको ओरिजिनली हमारे पेज पे होना है तो आप dlalandtop.com पर होंगे तभी वहाँ पहुँचेंगे। अगर ललन टॉप में 3 L हैं, 5 T हैं, या .com है, या .con है, अगर URL में गड़बड़ है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक ज़िम्मेदार न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, और तब वहाँ जो आपको चीज़ खबर जैसी दिख रही है वो खबर नहीं भी हो सकती है, वो जानबूझकर फैलाई एक अफवाह हो सकती है जिसका एक मकसद है। URL हो गया। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पिक्चर्स आएंगी, अब कोई चीज़ कह के मानने और नहीं मानने का हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन जब हमारे पास पिक्चर्स होती हैं तब हम थोड़े से ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं यकीन करने के लिए। जैसे आप कहाँ से हैं दोस्त? सर बिलवाड़ा ज़िला।
भीलवाड़ा से. मैं जब पिछले इलेक्शंस कवर किए थे मैंने विधानसभा के, तब हम भीलवाड़ा आए थे तो, और मैं खुद ही आया था. अगर आपके सामने कोई पिक्चर है भीलवाड़ा की, न्यूज़ है, हाँ आपको बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में ऐसा, भीलवाड़ा में कोई अफवाह चली है? सर ये सर वो चोटी काटने वाली एक तो चली चली सब जगह, और उसके अलावा? सर उसके अलावा ठीक सर कि मतलब इसको मतलब मदरसे वगैरह के इनके अंदर आतंकवाद फैलाया जाता है. अच्छा इस तरह की बातें चली हैं. अब वहाँ पे पिक्चर भी है और भीलवाड़ा की है तो आपको ज़्यादा मन करेगा यकीन करने का क्योंकि आपके पास एक तस्वीर है, लेकिन वो डाउट भी पैदा करती है. तो क्या करें, एक ऐसी पिक्चर जो न्यूज़ जैसी दिखती है लेकिन न्यूज़ नहीं है, उसका पता कैसे करें कि ये सही है नहीं है? किसी के पास कोई आइडिया? रिवर्स सर्च किया है कभी किसी ने यहाँ पे चीज़ों को? ये दूसरा अनानास है, किया है लेकिन पता नहीं, उस नाम से नहीं जानते हो आप लोग. किया है आपने? आपने रिवर्स सर्च किया है? किसी ने कहीं से यस कहा था? हाँ आप कहीं से? कहाँ? इधर किधर? अब हाथ उठेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा. आपने किया है? आपने किया है, सॉरी मैं देख नहीं रहते ना यार दोस्त. नाम क्या है? आदित्य. आदित्य, आपने रिवर्स सर्च जानते हैं आप? यस सर. कैसे करते हैं सर? मतलब किसी बार में आप सर्च कर रहे हो, अगर आपको फेक लग रहा है तो उसको आप गूगल पे जाके वापस किसी और वेबसाइट पे देख रहे हो. जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको वो चीज़ की ओरिजिनलिटी आपको पता लगानी है, तो आप उसको जाके गूगल पर सर्च कर रहे हो और उसके बारे में देख रहे हो. इन्होंने बताया लेकिन थोड़ा सा कम आवाज़ में बताया तो मैं एम्पलीफाई करके बताता हूँ. रिवर्स सर्च ऐसे काम करता है, आप अगर ब्राउज़र तो सब लोग जानते हैं. हाँ अच्छा, अब यहाँ माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा मेरे ख्याल. क्या प्रिंसिपल है? चेयरमैन है. अच्छा, उनका स्वागत करना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं था. क्या कह रहा था मैं? रिवर्स सर्च. ब्राउज़र पे कोई भी पिक्चर खोलो, ठीक है, ओपन विथ एक्स वाई जी, जो भी क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो क्रोम, फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो फायरफॉक्स, बाकी चीज़. राइट क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, क्रोम पे तो बहुत अच्छे से काम करता है, सर्च गूगल फॉर इमेज. और वो जितनी बार अपलोड हुई होगी सर्वर पे उतनी बार आपको रिफ्लेक्ट करेगी, उतने बार पेज पे आएगी. मान के चलो भीलवाड़ा वाला भाई किधर है? आप हैं. भीलवाड़ा की खबर है और भीलवाड़ा की वो तस्वीर भी चल रही है, आपको पता करना है ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था. आप उस इमेज को रिवर्स सर्च कीजिए. मान के चलिए आपसे कहा जाता है कि आज क्या तारीख है? 2 मई को कुछ हुआ है. अगर आपको भीलवाड़ा की वही तस्वीर 3 महीने पहले मिल रही है, इसका मतलब वो तस्वीर फेक हो सकती है, या उस तस्वीर के साथ जो खबर चलाई जा रही है वो फेक हो सकती है, या उस तस्वीर के बारे में जो बताया जा रहा है वो फेक हो सकता है. अच्छा हाँ, तो वो अगर 3 महीने पहले रिफ्लेक्ट कर रही है तो हो सकता है कि वो एक गलत कॉन्टेक्स्ट में शेयर की जा रही हो, या उस तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है उसके साथ जो आपको बताया जा रहा है वो फेक हो. क्यों? क्योंकि वो एक पुराने टाइम की आपको शेयर की गई है. ये चीज़ आपको वीडियोस के मामले में भी काम देगी. हम अभी सीकर में हैं. सीकर पासिंग क्या है सर? पता नहीं, आप कहाँ से हो? प्रतापगढ़ पासिंग क्या है? गाड़ी पे नंबर के साथ है सर, RJ 35. और कहाँ का बताया था आपने? प्रतापगढ़. अगर प्रतापगढ़ का कोई वीडियो है और बाजार का वीडियो है तो उसमें अलग अलग नंबर की गाड़ियाँ होंगी, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ RJ 35 होंगी. प्रतापगढ़ की सेट पड़ता है चित्तौड़, मतलब वहाँ भी एरिड क्लाइमेट ही होगा यहाँ की तरह. क्या प्रतापगढ़ में कोई 2 मई के दिन स्वेटर और मंकी पैक कैप पहन के घूम सकता है? पॉसिबल नहीं है, बहुत टेम्परेचर होता है. इस तरह की वीडियो के मार्कर्स पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा वीडियो जो दिखा रहा है और वीडियो के साथ जो बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं, आप उसको टैली कर पाएंगे. हरियाली, बहुत ज़्यादा हरियाली दिख रही है. क्या प्रतापगढ़ में वैसी हरियाली है? क्या नहीं, नहीं हो भी सकता है कोई गार्डन हो, ठीक है, एकदम ऐसा वाइट एंड ब्लैक कोई थंब रूल्स में नहीं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इसका क्या थंब रूल होता है पंखे वाला? वैसे मैं भूल गया हूँ बहुत पहले. क्या? राइट एंड थंब रूल. और क्या होता है वो सर? उसमें एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है? वैसे थंब रूल्स नहीं है, ये पंखा हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें एक मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, इसलिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम लेना पड़ेगा. सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस. अगर सीकर में
باڑھ آ جائے, خدا نہ خواستہ نہ آنے, لیکن آپ لوگ تو چاہیں گے چھٹی ہو جائے گی. بھاونائیں. اینی ویز, تو کیا ایسا ہوگا کہ صرف للن ٹاپ کو پتا چلے؟ سیکر بڑا شہر ہے, کچھ نہیں تو یہاں پہ 20 اخبار ہوں گے, 20 میں چھپے گا. تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جانکاری آتی ہے جو آپ کو بہت حیران کرتی ہے, آپ اسے ملٹیپل سورسز پہ چیک کیجئے کہ یہ باقی جگہ بھی اسی طرح سے لکھی ملتی ہے یا نہیں. نہیں ملتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ خبر فیک ہو. ایک چیز اور ہے, کتنے لوگ یہاں پہ اسپوفس دیکھتے ہیں؟ بتائیں گے نہیں لیکن دیکھتے ہوں گے اسپوف, وہ جو پیرڈی والے ویڈیوز ہوتے ہیں, جو مذاقیہ ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ. یہ تیسرا اناناس تھا یہاں کا. کامیڈی ویڈیوز جیسے شولے بہت پاپولر فلم ہے لیکن اس کے بہت سارے سینز کو میمک کر کے ویڈیوز بنے ہیں نا, ویسے نیوز کی پیرڈیز بھی بنتی ہیں, سٹائر ہوتا ہے. کتنے لوگوں نے ہندی لیا ہے آپشنل یہاں پہ؟ کوئی نہیں ہوگا, بہت کریئر مائنڈیڈ لوگ ہیں یہاں. باندھا نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا ایک چیز میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, ویسے جو یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے کہی گئی تھی کہ آپ لوگ ہندی میڈیم کے بچے لگتے ہیں. ہندی میڈیم کا ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے دوست, میں ہندی اچھے سے بول سکتا ہوں, ہندی اچھے سے لکھ سکتا ہوں, اس لیے میں وہ کام کرتا ہوں جو کر رہا ہوں, اس کے لیے کماتا بھی ہوں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ جس چیز کو ہنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہندی میڈیم کے ہونے میں برائی نہیں لیکن ڈیڈ ہونے میں برائی ہے. اینی ویز, ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے, اسپوفس. کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ کو اسپوفس ملیں گے. اب اس میں چکر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کئی بار جوک آپ کرتے ہو لیکن وہ ہٹ نہیں کرتا صحیح سے, سلپ ہو جاتی بات, اور آپ پھر بناتے بناتے تھکو. یہ مطلب میں ویسے سٹیریو ٹائپس میں نہیں مانتا ہوں لیکن پرسنلی میرا ایسا ماننا ہے کہ ادھر زیادہ ہوتا ہوگا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا یا میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب کچھ اور تھا, لیکن سامنے والے کو برا لگ چکا ہے. اب وہ اکشم میں اپرادھ آپ کر چکے, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس طرح سے نیوز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کئی بار سیٹائر پیسز لکھے جاتے ہیں, کئی بار پیرڈیز بنائی جاتی ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ مس کر جاتی ہیں کئی بار, یا لوگ اسے سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. ایسے کیسز میں کئی بار جب آپ کو حیران پریشان کرنے والی خبریں ملیں, ایک بار یہ دماغ چلا کے دیکھیے کہ کیا جو میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں کیا وہ ایک مذاق ہے. یہ طریقے ہو گئے آپ کے فیک نیوز پکڑنے کے. فیس بک کے ہم نے چیزیں ڈسکس کی. واٹس ایپ, واٹس ایپ کے آپ لوگ پرو لوگ ہیں تو میں کچھ کچھ چیزیں سکپ کرتا چلوں گا. سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جو لوگ نیوز بناتے ہیں, وہ لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں. کتنے لوگ یہاں پہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشنس میں حصہ لیتے ہیں؟ ہوتا بھی ہے یہاں پہ, آپ لیتے ہیں؟ ہاں, اس سے پہلے ایسیز اور کوئی ان کے علاوہ کوئی ایسے لکھنے میں دلچسپی نہیں لیتا ہے؟ مائنورٹی ہے بھائی. اچھا کیا آپ لوگ اس بات کو لے کے اگری کریں گے کہ جو لوگ ایسیز لکھتے ہیں ان کی لینگویج پہ ہولڈ تھوڑی بہتر ہوتی ہے, ان جنرل جو ہوتی ہے اس سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے تبھی آدمی لکھتا ہے؟ عورت بھی ہو سکتی ہے, آپ لوگوں نے ٹوکا نہیں. ویسے ہی جو لوگ نیوز میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کی لینگویج بھی بہت ریفائنڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس واٹس ایپ میں اس طرح کے فارورڈز آئیں جو نیوز جیسے لگ رہے ہیں لیکن ان کی لینگویج میں بہت پرابلم ہے, گرامیٹیکل ایررز مل رہی ہیں, اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, سینٹینس کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, بات دائیں بائیں ہو رہی ہے, جیسے ورک شاپ بھی دائیں بائیں ہو جاتی ہے نا بیچ بیچ میں, ویسے لکھا ہوا ہے, اگر ویسے ٹیکسٹ آ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں سنشے پیدا ہونا چاہیے کہ یہ فیک ہو سکتا ہے. بہت زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں فیک نیوز پھیلانے والے, وہ کیا کرتے ہیں لگاتار ایک ہی طرح کے ٹیکسٹ ملٹیپل لوگوں سے فارورڈ کراتے ہیں, اور فارورڈ پکڑنے کا طریقہ میرے خیال آپ سب لوگ جانتے ہیں. ٹیگ آتا ہے اوپر, گروپس. کتنے لوگ فیملی والے گروپ سے پریشان ہو چکے, دکھی ہیں؟ جو آپ, آپ, آپ کا نام کیا ہے؟ چھوی. کیوں دکھی ہیں فیملی والے؟ سر مینس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں تو اوبویسلی اریٹیشنس ہوتی ہے. کریکٹ, یہی سب سے صحیح جواب ہے. اتنے مطلب لوگوں سے دقت نہیں لیکن میسیجز اتنے سارے ہیں کہ آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہو. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں, دو تین طریقے ہیں. آپ یا تو گروپ سے ایگزٹ کرو لیکن پھر تو برا لگ جائے گا, فون ہی آ جائے گا. ہاں, کس نے
آپ نے کچھ کہا تھا پیچھے والے واٹس ایپ بند کر دو. ایک طریقہ وہ بھی ہے واٹس ایپ بند کرنے, لیکن پھر وہی ہے نا, وائی شوڈ دا میسنجر, جو دقت ہے اسے ایڈریس کرو. فیملی والے گروپ کا توڑ تو یہ ہے کہ اس کو میوٹ کر لو گے, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن جب لگاتار غلط بیانی ہوتی ہے گروپ پہ, لگاتار افواہیں چلنے والے گروپس میں آپ ایڈ ہوتے ہیں, یا آپ کو ایٹ رینڈم لوگوں سے افواہیں آتی ہیں, تب کیا کریں؟ سمپل ہے کہ ایک تو اس کو آپ بلاک کر کے ختم کرو گے, ٹھیک ہے, لیکن بلاک ہونے سے پھر وہی ہوگا کہ صرف آپ بچو گے, اگلے کا کام تو چلتا رہے گا. تو آپ اسے رپورٹ کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے اسپیم رپورٹ کیا ہے واٹس ایپ پہ اس سے پہلے؟ آپ نے رپورٹ کیا ہے؟ اور کس نے کیا ہے؟ شو آف ہینڈس, مطلب دو. باقی لوگوں نے نہیں کیا ہے تو میں دکھاتا ہوں. ایسے کھلتا ہے کوئی بھی گروپ, ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا, اوپر نام, اس کے بعد سارے پارٹیسپینٹس, اس کے نیچے ایگزٹ, اور اس کے نیچے آتا ہے رپورٹ اسپیم. اسپیم سے کیا ہوتا ہے؟ اسپیم رپورٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسپیم رپورٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ تک یہ بات چلی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے. پریشان صرف لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں, لڑکے بھی خوب ہوتے ہیں. ہاں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت کم ڈسکس ہوتی ہے. ہمارے یہاں تھوڑا ماحول اوپن ہے اس بات کو لے کر کے کہ لڑکیاں اپنا ہیرسمنٹ رپورٹ کریں. وہ بھی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بہت ریئرلی کوئی لڑکی آگے آ کے کہتی ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا. لڑکے اس سے زیادہ ریئر ہیں. اور سن, آپ پتہ نہیں اس کو کس طرح سے لیں گے, لڑکے بھی اسی ریٹ پہ ہیرس ہوتے ہیں, لیکن اتنا ٹیبو جڑا ہوا ہے اس چیز سے کہ ہم کبھی رپورٹ نہیں کرتے اسے, کبھی بتاتے نہیں. اینی ویز, ہم لوگ آن لائن ہیرسمنٹ وغیرہ کی بات کر رہے تھے, اس لیے بات آ گئی تو میں نے آپ کو شیئر کی. اسپیم, اسپیم رپورٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ واٹس ایپ تک یہ بات چلی جائے گی کہ کوئی عادتاً آپ کو پریشان کر رہا ہے, اور پھر واٹس ایپ اس پہ کاروائی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. کاروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترنت وہ گروپ بند ہو جائے گا, لیکن آگے جا کے وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس ویکتی کا دکھ دور کرنے کی ضرورت ہے. ایڈمن کنٹرولز بس ہوتے آئے. ایڈمن کنٹرولز آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا گروپ ہے جس کا ایک بہت اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے, تو آپ اس کے ڈسکرپشن میں لکھیے کہ یہ گروپ صرف بچنگ کے لیے بنائیں, یہ گروپ صرف اٹینڈنس شیئر کرنے کے لیے بنائے, یہ گروپ صرف سائنس ڈسکس کرنے کے لیے بنائے, یا پھر صرف میتھس ڈسکس کرنے کے لیے بنائے. ڈسکرپشن سے اگلے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد یہ ہے, یہاں پہ جوکس پوسٹ نہیں کرنے. یہ سارے ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. آپ لوگوں کا 40-41 منٹ چاٹ لیا. کیا ہو اگر یہ پورے کے پورے 40 منٹ ضائع ہو جائیں اور کوئی ٹرک کام نہ آئے تو کیا کریں؟ فیکٹ چیکرز کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے بھی؟ جس طرح سے لوگ نیوز کر, جیسے میں جرنلسٹ ہوں, میرا کام ہے خبریں کرنا, ٹھیک ہے, ویسے ہی جرنلزم کی ایک اسٹریم اب فیکٹ چیکنگ بھی ہو گئی ہے. جب افواہیں چلتی ہیں تب لوگ ان افواہوں کو ٹریک کرتے ہیں, یہ معلوم کرتے ہیں کہ افواہ کہاں سے چلی تھی, سچ کیا تھا, اور پھر اسٹوریز کرتے ہیں. جیسے ہماری ویب سائٹ پہ پڑتال نام کا ایک سیکشن ہے جس میں آپ فیکٹ چیکنگ کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, سٹوریز کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں, فیکٹ چیکنگ کا کام ہندوستان میں بہت سارے نیوز پلیٹ فارمز کر رہے ہیں, جس کی لینگویج, جی آپ نے اور کوئی بھی پڑھے ہیں؟ آدھا سچ آدھا فسانہ. اچھا, وہ بھی, یہ بھی فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں. ہاں جی, ایک یہ بھی ہو گیا. جن کی لینگویج اور جن کا پریزنٹیشن آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے. اور جب ایسی کوئی افواہ آپ کے سامنے آئے جو میری بتائی ٹرک سے پکڑ میں نہیں آ رہی ہے, تو آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں. ایک آخری چیز جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے, فیس بک پہ آپ لوگوں نے کئی لوگوں کو بلاک کیا ہوگا, پوسٹ ڈیلیٹ کی ہوگی, کتنے لوگوں نے فیڈ بیک دیا ہے فیس بک پہ؟ فیڈ بیک کیا ہوتا ہے, کیوں ضروری ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بھی پوسٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے, یہ کیا ہے, یہ رائٹ آئے گا نا, ٹاپ رائٹ پہ
आपको तीन डॉट्स दिखते हैं, आप जब उनको क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक ऑप्शन आता है गिव फीडबैक ऑन दिस पोस्ट। अभी जब आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। यार मेरा हाथ गड़बड़ कर देगा ये उठा उठा कि किस की आप फीडबैक किस बारे में देना चाहते हैं। न्यूडिटी, उसमें नग्नता है, वायलेंस, हिंसा, हैरेसमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, सुसाइड, फॉल्स न्यूज जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, स्पैम, और फिर आपको अच्छा एक हेट स्पीच भी है। और ऑप्शंस होते हैं लेकिन मेरा हैंडआउट में इतने ही आए। सेंड, इससे ये होगा कि फेसबुक के पास ये फीडबैक जाएगा कि कोई आदतन फेक न्यूज फैलाता है, तुरंत कार्रवाई होगी ऐसा मैं अश्योरेंस आपको नहीं दे सकता, लेकिन फेसबुक इस बात को नोट करता है। इसके बाद आपके पास ब्लॉक वगैरह 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 के ऑप्शंस होते हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जो इस वर्कशॉप में मुझे आपसे बांटनी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आपके कोई सजेशंस हो, आपको लगता हो जिससे ये काम, क्योंकि हम लोग आगे भी और वर्कशॉप्स करने वाले हैं, जैसे वो आग के शर्म में एक वर्कशॉप से उठा के लाया था आप लोगों के लिए, वैसी कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फ्लोर में ओपन कर रहा हूँ फॉर क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में, आपके दिमाग में है? नहीं, आप बाल ठीक कर रहे थे, आपके दिमाग में? सर ये फेक न्यूज़ जो स्प्रेड करते हैं रूमर्स की, तो एक अलग बात है कि उससे एक स्पेसिफिक एरिया तक अफेक्ट होता है, लेकिन जो फॉल्स न्यूज़ होती है उससे बेनिफिट क्या है, जो स्प्रेड करता है उससे क्या बेनिफिट है? अच्छा, ये जटिल सवाल है। बेनिफिट क्या होता है ये एक, वो ये पॉइंट टू पॉइंट डिफर करेगा। जैसे प्रिंस अकेडमी लेवल की अफवाह की बात करें अगर, ठीक है, अगर ये अफवाह चले कि एक्स वाई जी टीचर किसी एक सब्जेक्ट की उनकी तबीयत खराब है, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? ठीक है, मैं ये इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आइडिया देने के लिए कि लोग अफवाहों से काम कैसे लेते हैं। तो क्या होगा, आप उस एक लेक्चर में नहीं जाने की वजह ढूंढेंगे, क्योंकि वैसे भी क्लास तो होनी नहीं है उस दिन, आप भी बीमार पड़ेंगे या उस टाइम आप भी अपना कोई काम निकाल लेंगे, बाकी चीज़ें उस तरह से चौक कर लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे हेतु होते हैं अफवाहों के। ये मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया क्योंकि अभी आप स्कूल में, जब आप सोसाइटी एट लार्ज आप उसमें जाएंगे तब लोग दूसरे मकसद से प्लांट करते हैं। जैसे रोहिंग्या के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, शरणार्थी हैं, उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार चल रहे हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड चीज़ें हुई हैं उनके खिलाफ, है ना, पूरी दुनिया मानती है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो वो लोग फिर दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं शरण के लिए। सोचिए ये कितना पेनफुल है, आप लोग अपने घर से 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तो कोई नहीं है यहाँ पे, सारे हैं, 500 से दूर तो कोई नहीं है यहाँ पे, 1000 से दूर तो कोई नहीं है यहाँ पे, 1000 से है नहीं, सोचिए 1000 किलोमीटर दूर आपको कितना अकेला लगता है यहाँ पे। टेस्ट में फ़र्क है, खाने के आबो हवा में फ़र्क लगता होगा, टेम्परेचर में फ़र्क लगता होगा, और पेरेंट्स तो नहीं ही हैं अपने साथ वाले, वो मोहल्ला नहीं है जहाँ बड़े हुए हो, अजीब लगता है कोई अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने लगे तो उसे कितना अजीब लगेगा। लेकिन लगातार ये हुआ है कि रोहिंग्या के खिलाफ इस तरह की अफवाहें चली हैं कि वो एक तरह के होते हैं, कोई उनको टेररिस्ट कहता है, कोई उनको चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, इससे होता क्या है, फ़ायदा किसका, आप पूछ रहे थे फ़ायदा नुकसान क्या होता है। वैसी अफवाहें चलाने से सोसाइटी रिपेल करने लगेगी रोहिंग्या को, ठीक है, तो जिन लोगों को ये डर है कि वो आके यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे उनका हित सत्ता है। इसी तरह अफवाहबाजी का हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, एक बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। और कोई सवाल अगर हो तो? नहीं, मेरे ख्याल जितनी चीज़ें हम एक वर्कशॉप में कन्वे कर सकते हैं उसमें से हमने डिलीवर करने की अपने तय कोशिश की है। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंस अकेडमी का, चेयरमैन साहब का जो आए और थोड़ी देर पहले गए, और यहाँ के फैकल्टी का जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें इस वर्कशॉप को करने के लिए ये कैंपस मुहैया कराया, आप लोगों का अरेंजमेंट किया, सीटिंग अरेंजमेंट से लेके आप लोगों से एक एक क्लास का वक्त लिया। तरुण के साथ सीकर से मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना,
तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।